श्रीमान SSP महोदय, बरेली, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा नाम सायरा वी है, मैं बालिग हूँ। मेरा आधार कार्ड हाई स्कूल की मार्कशीट में मेरी आयु 10/10/2002 है। मैं पंकज शर्मा से प्रेम करती हूँ। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक लड़की SSP बरेली से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही है, जिसके बाद SSP रोहित सिंह के आदेश पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरे हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि दरअसल ये वायरल वीडियो बरेली के रिठौरा कस्बे का बताया जा रहा है, जहां एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर रही है। मंदिर में पुरोहित ने वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा दोनों का विवाह करवाया, जहां अग्नि के सामने 7 फेरे लिए गए। शादी के बाद लड़की ने एक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और SSP बरेली से सुरक्षा की गुहार लगाई। उसने कहा, SSP साहब, मैं बालिग हूं और मैं बचपन से ही हिंदू रीति रिवाजों को मानती हूं और मैंने अपनी मर्जी से पंकज शर्मा से शादी की है। अब मैं पंकज के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। कृपया मेरे पति और उनके दोस्तों को परेशान न किया जाए। श्रीमान SSP महोदय, बरेली, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा नाम सायरा वी है, मैं बालिग हूँ। मेरा आधार कार्ड हाई स्कूल की मार्कशीट में मेरी आयु 10/10/2002 है। मैं पंकज शर्मा से प्रेम करती हूँ। वह मेरी बचपन हिंदू मान्यताओं आस्था रही है। खूब सोच समझ कर अपनी मर्जी से मैंने पंकज शर्मा को अपना जीवन साथी बना लिया है। मेरे हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि मेरे पति के घर वालों व दोस्तों को परेशान ना किया जाए। वहीं इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। SSP साहब का कहना है कि इस तरह से जितने भी मामले सामने आते हैं, उसमें लड़का लड़की अलग अलग धर्मों के होते हैं, तो मुकदमा दर्ज करके लड़की को कोर्ट में पेश किया जाता है और उसके 164 के बयान करवाए जाते हैं। जैसे काफ़ी मामले आते हैं जिसमें दो अलग अलग समुदाय के लोग एक दूसरे से शादी करते हैं, उसके बाद कई बार उनके परिवार वाले इसके खिलाफ होते हैं। तो इसमें जो सामान्यतः जो परिवार है उसके द्वारा मुकदमा लिखा जाता है, और इसमें इसके बाद जो अगर लड़का या लड़की दोनों अगर बालिग हैं और उनकी अपनी स्वतंत्र उनकी मर्जी से अगर वो ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें उसके बाद उसमें न्यायालय में बयान कराए जाते हैं, और उसके बाद न्यायालय में बयान कराने के बाद जो भी वो वहाँ पर अपना बयान देते हैं उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई उसमें तय होती है। हालांकि इस मामले में अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। शादी कब हुई है, विवाहित जोड़ा कहां का रहने वाला है, इस बात पर पड़ताल जारी है। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, UP तक।